لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों मेरे भाइयों जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी सूरह तहरीम की आयत है उसमें अल्लाह ईमान वालों को खिताब कर रहे हैं ए ईमान वालों को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। सारे मुफस्सिरीन ने लफ्ज को वाजिब लिखा है कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, ये लाजिम है, कोई सुन्नत मुस्ताब नहीं है, ये वाजिब और जरूरी है। सेव योर सेल्फ एंड सेव योर फैमिली फ्रॉम द फायर ऑफ जहन्नम को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा अपनी औलाद को दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ, नमाज सिखाओ, रोजा सिखाओ ताकि मेरी और आपकी औलाद हमारे मरने के बाद हमारे लिए इसाले सवाब बन सके। वरना आज से कुछ साल पहले एक जगह जाना हुआ तो पीछे से एक नौजवान लड़के ने कहा, जबकि हमने ऐलान किया भाई जनाजे की नमाज पढ़ा दे, तो पीछे से एक नौजवान ने कहा हाँ शुरू कर दो। तो किसी ने मुझे बाद में बताया कि वो उसके बाप की जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हुआ। उसको पूछा क्यों, कहा मुझे जनाजे की नमाज और दुआ नहीं आती है। खुद लड़का अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सका। कुरान करीम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इज़ा मात अल इंसान इन खता अमल, जब इंसान मरता है उसके सारे अमाल चैप्टर क्लोज इल्ला मिन थलास, मगर तीन रास्ते खाली अभी बाकी है, वहां से नेकी पहुंचती रहती है। देयर्स ओनली थ्री वे दैट यू गेट्स रिवॉर्ड, इल्ला मिन सदकतिन जारिया औ इल्म यंतफिउ बिहा औ वलदिन सालिह यदउ लह। तीन चीजें हैं, सदके जारिया का कोई काम कर गया या फिर कोई इल्म ऐसा हासिल किया कि जिससे दूसरे तलबा को पढ़ाया, उसने उसको और वो पढ़ाते चले गए तो सारा सवाब उस उस्ताद को मिलेगा। तीसरा वलदिन सालेह, नेक औलाद छोड़ कर जाओ,
जो अपने यदो लहू अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। वरना आज से कुछ साल पहले एक जगह नाजरा कुरान का इनाम का जलसा था हिंदुस्तान में, जलसा था, मुझे भी दावत थी। उस जलसे में 60 इयर्स का आदमी भी खड़ा हुआ, उसका भी दूसरा नंबर आया था नाजरा कुरान में, और वो MBBS क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर था। मैंने पूछा तुम्हें नाजरा कुरान पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नाजरा कुरान पढ़ने की जरूरत पड़ी? उसने कहा बचपन में मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, मैं यतीम था, कोई मुझे मदरसे भेजने वाला नहीं, मेरे चचा ने मुझे स्कूल पढ़ाया, इतना पढ़ाया मेरे वालिदैन के पैसे से कि मैं डॉक्टर तो बन गया, लेकिन मुझे कुरान पढ़ते नहीं आता था, तो मैं मदरसे में दाखिल हो गया, अगरचे डॉक्टर हूं छोटे बच्चों के साथ, बल्कि आजकल तो बड़े लोगों का भी मदरसा है, नहीं है एक्सक्यूज, अल्लाह क्या नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज तो शाम में पार्ट टाइम में बड़े लोगों का भी मदरसा है, बड़ी औरतों का भी मदरसा है। अगर बचपन में कुरान नहीं सीखा तो इस उम्र में पढ़ सकते हैं, चाहे 10 साल लग जाए, बल्कि रिवायत में है तुम पढ़ते पढ़ते गुजर जाओगे तो अल्लाह के यहां कयामत में तुम तालिब इल्म की और उस्ताद और उलमा की सब में खड़ा किए जाओगे। पता है तुम्हें कितने मदरसे, कोई एक्सक्यूज नहीं। हमारा टाइम, हमारा बिजी मशगूलियत हमें टाइम नहीं दे रही है कि हम कुरान सीखे। अगर कुरान नहीं पढ़ाए तो कुरान सीखे, और अगर कुरान पढ़ाए तो सही सीखे। तजवीद भी जरूरी है, लाजमी है, बहुत जरूरी है। उसने कहा कि मैं इस उम्र में मैंने नाजरा कुरान तजवीद के साथ मैंने पढ़ा नहीं था, मैं पढ़ने के लिए आया। उस डॉक्टर को कुरान सीखने में शर्म नहीं आई, इतना बड़ा डॉक्टर है, अल्लाह के कलाम सीखने में क्यों शर्म आए? एक जगह हिफ्ज खत्म कुरान का जलसा था, चलो बात से बात आ रही है, एक जगह खत्म कुरान हिफ्ज कुरान का जलसा था, अल्लाह अकबर, वो सामने जो खड़ा हुआ 4 बच्चों में या 5 बच्चों में वो 75 ईयर्स की उसकी उम्र थी, आप इसे कुरान बना 75 ईयर्स की उम्र, कोई बाल उसका काला नहीं, सफेद बाल। मैंने कहा मैं तुम तो मेरे बाप के दर्जे में है बाजी, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हाफिज बनने की? का दिल में शौक था। हदीस में आता है जब हाफिज कुरान मरता है, कंजुल उम्माल की हदीस है, अल्लाह उसकी कब्र से कहता है, कब्र से कहता है ये हाफिज कुरान है, इसकी बॉडी को खत्म नहीं करना है, फ्रेश रखना है। तो वो जमीन अल्लाह से कहती है, वो कब्र उसकी, कंजुल उम्माल की हदीस है, मैं कैसे उसकी बॉडी को खत्म करूं, इसके सीने में तो तेरा कुरान है, तेरा कुरान है। हमारा मौलाना ज़करिया साहब अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, फरमाया अपनी किताब में लिखा फ़ज़ाइल कुरान में कि जब बंदे को सुलाया जाता है तो उसका कफन जो होता है, उसके कफन जब मुनकर नकीर आते हैं सवाल करने के लिए तो उसका कफन हिलता है, तो पूछते मुनकर नकीर तो अंदर में तीसरा कौन है, आदमी तो है, हम है, तू कौन है? कहा मैं इसका कुरान हूं। कहा थोड़ी देर हट जा, मैं इसे सवाल करना चाहता हूं। अब्दुल्ला खान ठीक कह रहा हूं ना, मैं इसे सवाल करना चाहता हूं। कहा मैं कुरान, इसने हमेशा मुझे साथ में रखा, अब कब्र में भी साथ में रहूंगा, तू सवाल कर ले, मैं अलग होने वाला नहीं हूं। 75 ईयर्स की उम्र में ही बिकेम हाफिज ए कुरान, कैन यू बिलीव दैट? और जब दूसरे साल जाना हुआ, अजीब हालत हुई, मैंने वहां मोहतमिम साहब से पूछा वो ओल आदमी जो हाफिज हुए थे वो किधर गए? कहा हाफिज बनने के 6 महीने के बाद इनका इंतकाल हो गया, और इनके इंतकाल के बाद 11 आदमी ने ख्वाब में देखा, बुखारी शरीफ में है, जब 11 आदमी ख्वाब में देखे तो ख्वाब बिल्कुल सच्चा होता है,
ग्यारह आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो एक एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां फ्लावर्स हैं, उसके दरमियान में बैठे हैं, और कहा अल्लाह ताला ने उस हिफ्ज कुरान और कुरान के साथ मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी है। बात मेरी सुन रही है? हम तो कभी, इसलिए मैं कहा करता हूं वी ऑलवेज बैक टू स्क्वेयर। रमजान में थोड़ा मौका मिल गया कुरान पढ़ने का, बाद में खत्म, दूसरी रमजान का इंतजार करते हैं, बैक टू स्क्वेयर, बैक टू स्क्वेयर। हम कहते हैं अब रमजान के बाद जिंदगी बदल देंगे, अब हज के बाद जिंदगी बदल देंगे, अब उमरा के बाद जिंदगी बदल देंगे, लेकिन फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मैंने एक जगह मस्जिद में कहा कि भाई वहां साउथ अफ्रीका में कि 11 साल में यहां नमाज पढ़ा रहा हूं, जिस दिन में यहां इस मस्जिद में इमाम बना उस दिन भी फजर में एक सब थी और 11 साल के बाद भी एक ही सब है। हम बयान कर करके थक गए लेकिन हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, कभी फर्क नहीं आया। मैं वहां की नहीं यहां की भी बात कर रहा हूं, कुबा की भी। मैं यहां, मुझे 17 ईयर्स हो गए इस मस्जिद में, मुझे 17 ईयर्स हो गए, वही बैक टू स्क्वेयर जैसे है वैसे। अगर रात में गवर्नमेंट वाले ऐलान कर दे सुबह फला चीज होने वाली है, हम फौरन उसके कानून का फॉलो करेंगे, लेकिन मेरे अल्लाह मेरे रसूल का कानून हमारे सामने इतना मामूली सा बन गया। शाह अताउल्लाह साहब बुखारी कहते हैं मैं 30 ईयर्स से इस मस्जिद में, यानी कब्रिस्तान कह रहे हैं, वो तो मस्जिद नहीं कह रहे, मैं कब्रिस्तान में अजान दे रहा हूं लेकिन ये मुर्दे जा भी नहीं रहे हैं, यानी हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। सॉरी माफ करना, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं बुजुर्गों की बात नकल करना चाहता हूं, आप तो माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक बात पहुंचाना चाहता हूं, हालत हमारी मुसलमानों की ये हो चुकी है गफलत की अल्लाह से, जैसे मरना ही नहीं। जैसे मैंने लास्ट वेनेसडे को सुनाया था हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात, गालिबन मैंने सुनाई थी, खबर नहीं भूल गया था कि हसन बसरी फरमाते मेरा गुजर कब्रिस्तान से हुआ। कहां से हुआ? कब्रिस्तान से। तो मैंने कब्रिस्तान वालों से कहा ये कितने आराम से सोए हैं कब्रिस्तान में, कोई तकलीफ नहीं, कोई फितना नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कब्र के अंदर से हसन बसरी कौन है जिन्होंने 120 साहबा को देखा है, 120 बड़े मुहद्दिस बड़े मुफस्सिर जिनकी मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक बीवी की खादिमा थी। ये हसन बसरी सही राज फरमाते हैं कि कब्रिस्तान से कब्र से मेरे लिए आवाज आई कि हम तो जाग चुके हैं सोए हुए तुम हो। क्या कह रहे? हम तो जाग चुके हैं सोए हुए तुम हो, इसलिए कि दुनिया में तुम ऐसे मशगूल हो कि तुम अपनी कब्र को भूल चुके हो और आराम से सोए हुए हो, जब तुम कब्र में आओगे तब सोओगे नहीं, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। मौलाना जकरिया साहब कहते हैं जब कब्र में जाएंगे तब पता चलेगा कि मैं घोड़े पर सवार हूं या गधे पर सवार हूं। लिखा है फजाइल आमाल, ये कब्र में पता चलेगा। तो हजरत फरमाते हैं कि मैं 30 साल से कब्रिस्तान में अजान दे रहा हूं और बयान पर बयान। हजरत तो बहुत बड़े बयान करने वाले थे हजरत शाह अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो आप सब जानते हैं बहुत बड़े थे मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम थे, कुरान पढ़ते थे। तो अगर कब्रिस्तान में पढ़े तो मैं कहता हूं मुर्दे भी जाग जाए, इतना जबरदस्त कि वहां हिंदुस्तान में लोगों ने कहा हम आपका बयान नहीं सुनेंगे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्सिटी में बयान नहीं सुनेंगे। कहा मैं बयान नहीं सुनाऊंगा, मैं कुरान का एक रुकू पढ़ूंगा, खलास। उन्होंने बयान शुरू नहीं किया, कुरान शुरू किया तो उन्होंने कहा, सारे बच्चों ने तलबा ने कहा हम पूरी रात आपका कुरान सुनेंगे। कुरान पढ़ते गए तर्जमा करते गए, कुरान पढ़ते गए तर्जमा करते गए। ऐसे कह रहे हैं 30 साल से मैं लोगों को दावत दे रहा हूं लेकिन ये मुर्दे जाग ही नहीं रहे। इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे सामने एक आदमी ने आकर कहा हजरत लगता है आप जितनी नसीहत कर रहे हैं व्हाटएवर यू टेलिंग अस इज नॉट टचिंग अवर हार्ट, हमारे दिल में उतर ही नहीं रही है। तो हसन बसरी क्या फरमाते हैं, लगता है तुम सोए हुए नहीं हो तुम मोए हुए हो। तो मेरी बात सुन रही है, तुम सोए हुए नहीं हो, तुम्हारा दिल मोया हुआ है यानी मुर्दा है जिंदा नहीं है। अगर एक आदमी सोया हुआ हो उसको हिलाओ तो वो जाग जाता है,
जाग जाते हैं कि नहीं भाई, वह उठ उठ जाता है। लेकिन एक आदमी मुर्दा हो, मुर्दा हो, उसको तुम हिलाते रहो, वो कभी उठने वाला नहीं है। फरमाया दिल मुर्दा हो चुका है, तुम कितनी नसीहत करो हमें दिल पर असर करने वाली नहीं है। उसके लिए हमें तौबा की जरूरत है, अल्लाह के सामने मांगने की जरूरत है। अल्लाह जिंदगी गुजर गई, गुजर गई, कई जनाजे दफन कर दिए हमने। लेकिन अगर सबक लेना चाहे तो एक नसीहत काफी है, एक नसीहत काफी है। हमारे कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में एक जगह बयान फरमाते हैं कि एक काफला जा रहा था मुसलमानों का, रास्ते में वो काफलों को लूट लिया लूटने वाले चोरों ने, तो उन डाकुओं का सरदार वो गैर मुस्लिम था, तो इसने कहा एक मुस्लिम ने, भाई सारे पैसे ले ले, बट आई जस्ट वांट टू सी यू बॉस, योर बॉस, मुझे तुम्हारा कोई बॉस है, कहां है, कहां है, वो तो बैठा है, वो हमें कह रहा है कि जाके लूटो, लूटिंग करो। कहा नहीं मुझे सिर्फ मुलाकात, कहा वो मुलाकात नहीं करता, नहीं मुझे सिर्फ मुलाकात देखना उसको, आई जस्ट वांट टू सी हिम, आई जस्ट वांट टू सी हिम। उसको ले गया, वो बैठा हुआ था जंगल में एक जगह, और सारा माल पड़ा हुआ है, लोगों का लूटा हुआ माल पड़ा हुआ है, उसके पास ले गया। भाई ये सब क्यों लूटते हो तुम, पूछने के लिए आया। कहा क्या काम है तुम्हारा, ये हमारी रोजी है। फरमाया तुम्हें पता नहीं है हमारे अल्लाह ने कुरान में कहा वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी का हमने इंतजाम कर दिया है, और जिस चीज का हमने तुमसे वादा किया वो हमारे पास मौजूद है। कुरान कह रहा है, कहा तुम्हारा अल्लाह कह रहा है, अच्छा बिल्कुल सही कह रहा है। कहा कुरान में आयत है, किसी से पूछ ले, वो मुसलमान बना इसी एक आयत के ऊपर, इसी एक कि मैं लोगों से लूटता हूं जबकि गॉड ने मुझे देने का वादा किया है, इस एक आयत पर मुसलमान बना। सारे डाकुओं को बुलाया, कहा आज से मैं तुमसे अलहिदा, तुमको जो करना है करो, मैं आज से लूटने का हुक्म नहीं दूंगा। उन लोगों ने कहा तुम हमारे बॉस हो, तुम ही जब मुसलमान बने हैं हम भी इस्लाम कबूल करते हैं। सारा काफला मुसलमान बन गया, सारा काफला मुसलमान, एक आयत के ऊपर। वो किस नीयत से पढ़ा, किस इखलास के साथ पढ़ा होगा, खुदाए पाक की कसम। उसके बाद जब वो हज के लिए गया, वो गैर मुस्लिम जो बॉस था जो इस्लाम ले आया, वो जब हज के लिए गया, हज के लिए गया तो इसी आदमी से फिर मुलाकात हो गई तवाफ में, इसी आदमी से फिर मुलाकात हुई। कहा तुमने मुझे वो आयत सुनाई थी, अल्लाह पाक ने बहुत रोजी दी, मैं हज में आ गया, सबका माल मैंने वापस कर दिया, सबके सामने माफी मांग ली, अब अल्लाह ने मुझे इतनी रोजी दी है, मैं हज में आ गया, आई केम टू परफॉर्म हज नाउ, सुभान अल्लाह। हज में जाने के बाद अब मेरी तुम्हारे साथ फिर मुलाकात हो गई, वो आयत जो तुमने मुझे सुनाई थी उसके आगे एक और दो आयत सुना दो। वो तवाब में एक आयत फिर सुनना चाहता है, फिर सुनाई, फवरब्बिस समाई वल अर्ज इन्नहू लहक्कुम मिथलमा अंतुम तंतिकून, आसमान और जमीन के रब की कसम, अल्लाह ने तुमको, तुमको देगा जिसका तुमसे वादा किया गया है। उसने कहा ऐसा कौन आदमी है जो तुम्हारे खुदा पर, हमारे खुदा पर यकीन नहीं रखता कि अल्लाह को कसम खानी पड़ी, आसमान और जमीन के रब की कसम क्यों खानी पड़ी, ऐसा कौन होगा। वो आदमी जिसने कुरान की आयत पढ़ी उसने कहा ये बात कहकर रोते रोते तवाब में उसका इंतकाल हो गया। समझना हो तो एक आयत काफी है, वरना आपके सामने मैं 16 साल से बयान करता हूं, कितने मौलवियान आते हैं, कितने उलमा आते हैं, क्या क्या बयान करते हैं, लेकिन असर इसलिए कि हमारा इंटेंशन मस्जिद में आकर बैठने का ये होना चाहिए, अल्लाह आज मैं मस्जिद जा रहा हूं, जो भी बात मैं सुनूंगा मैं कोशिश करूंगा अल्लाह तेरे बाप तेरे नबी की बात पर मैं अमल करूंगा, अगर इस नीयत से आएंगे तो यकीनन एक न एक दिन अल्लाह उसको हिदायत का रास्ता खोल देगा। याद रखो मजे लेने के लिए बयान नहीं होता, वाह वाह के लिए बयान नहीं होता। वल्ला मैं कह रहा हूं ये मैं मौजूद देख कर नहीं आया, मैं यहां बैठा अल्लाह ने मेरे दिमाग में आगे से आगे से आगे ये बात बरा रहा है, वरना मैंने नहीं सोचा था।
फुसैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता उनको, हमारे सिलसिले के बड़े वली हैं, कादरी सिलसिले के बड़े वली हैं। फुसैल बिन अयाज ये तो डाकुओं के सरदार थे, ये डाकुओं के सरदार है। आपने बार बार सुना होगा ये दीन धाड़े ऐलान करते थे आज तुम्हारे यहां चोरी करूंगा, ऐसा डाकुओं का सरदार था। एक मर्तबा रात में ये चोरी करने के लिए दीवार के ऊपर जंप करके अंदर में जाने की कोशिश की, ही ट्राइड टू जंप इनसाइड द हाउस। देखा एक आदमी उस घर में तहज्जुद पढ़ रहा है, उस घर का आदमी तहज्जुद पढ़ रहा है, और तहज्जुद में यही आयत हजरत ने सुनी फुज़ैल बिन अय्याज़ ने, अलम यनिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी तक तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं आया कि तुम अल्लाह के खौफ से अपनी जिंदगी चेंज कर लो? येट द टाइम डिड नॉट कम टू योर लाइफ, व्हेन यू गोइंग टू चेंज योर लाइफ? When you going to change your life? When the time will come that you going to change your life? Are the Jibreel alayhi salam will come and tell you? Are the new Quran will reveal? Are the new Nabi will come? There's nobody will come. My life will pass like this. One day the people will come and will bury me in my grave. There will be nobody with me, only myself and my amal. Yehi cheez. Farmaya isi ek ayat ne नीचे उतरने के बाद चोरी नहीं की, अपने सारे डाकुओं से कहा आज से मैं तौबा करता हूं। इसी एक आयत पर फुज़ैल बिन अय्याज़ की जिंदगी बदल गई। हां, जिंदगी बदलने की नीयत हो तो वन आयत इज सफिशिएंट। इसलिए मैं कहा करता हूं कि खुद भी सही रास्ते पर अपने आप को लगाओ। अल्लाह से ये अमर का सेगा है, अल्लाह इज कमांडिंग मी एंड यू एंड एंटायर वर्ल्ड पीपल, को लाजमी है तुमको अपने आप को बचाओ। सेव योर सेल्फ एंड सेव योर फैमिली एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द फायर ऑफ जहन्नम। क्या मेरा अल्लाह नहीं जानता था? उसने क्यों कुरान में 700 जगह कहा नमाज का? क्या मेरे ऊपर सिर्फ जुमा फर्ज है और कोई नमाज नहीं है? नमाज पूरी हो जाती है, कजा हो जाती है, फिर भी मेरा बाल मेरी पेशानी पर बिल्कुल पसीना तक नहीं आता कि आज मेरी नमाज कजा हो गई। मेरी जिंदगी वही है, वही है। अच्छा, रमजान में थोड़ा शैतान को बांध दिया जाता है तो थोड़ा इजी हो गया, बस रमजान में कर लिया, बाकी रमजान तो रमजान, ओ फ्राइडे टू फ्राइडे। वल्लाह, दिस इज नॉट अवर लाइफ, दिस इज नॉट मुस्लिम्स लाइफ। मेरी लाइफ मेरी कब्र में मेरे साथ होगी और कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। नो बडी विल कम एंड सपोर्ट मी इन माय कब्र, ओनली माय सेल्फ, नॉट इवन माय बिलवड वाइफ, नॉट इवन माय बिलवड सन, नॉट इवन माय बिलवड डॉटर, नॉट इवन माय बिलवड फादर एंड मदर। नो बडी विल कम इन माय ग्रेव, ओनली माय सेल्फ एंड माय डीड्स, आइदर राइटियस डीड और द बैड डीड्स। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, वल्लाही जाकर पूछ लो। हसन बसरी कहते हैं कब्र के अंदर से आवाज आई कि तुम लोग सोए हुए हो, हम तो जाग चुके हैं। वी आर अवेक इन अवर ग्रेव, यू आर स्टिल स्लीपिंग, व्हेन यू विल कम टू द ग्रेव देन यू विल ओपन योर आईज। तुम कैसे सवार हो रहे हो? ये मेरी बात सुन के जाओ। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ये अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। इसलिए अब एक औरत हमारे पास आई मदरसे में और कहने लगी, व्हाई डोंट मेक इट लिबर्टी, यू नो दैट लेस द आवर्स ऑफ मदरसा 2.5 hours फॉर हिप्स क्लास इज हार्ड बिकॉज माय चाइल्ड गो स्कूल। कितने पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल जा रहा है और ठग जाता है। मैंने कहा ये स्कूल की वजह से नहीं ठगता है, ये मदरसे की वजह से नहीं ठगता है। मैंने उस बच्चे से पूछा हाउ मेनी आवर्स यू ऑन मीडिया ऑन योर फोन, ही सेड 6 hours। कितना भाई? माँ बाप को पता भी नहीं, रात देर तक 2 बजे तक वो फोन में होता है ऑनलाइन। अब ये बच्चा सुबह पढ़ेगा स्कूल जाएगा, अब हमारे बच्चे की उस जेसीसी में जाने वाले इल्ला माशाल्लाह देख लो, दे डोंट इवन नो प्रॉपरली इंग्लिश हाउ टू टॉक इन एवरी सेंटेंस इज स्लंग्स, दे डोंट हाउ टू टॉक टू इंग्लिश में कैसे बात करना है। वेल दे आर इन जेसीस इन ए लेवल बिकॉज वी डील विद द चिल्ड्रन इन मदरसा फ्रॉम इयर्स 30 इयर्स। आई एम टेलिंग यू द एक्सपीरियंस।
They don't even know. So many times in my class, the boys 18 to 20, I ask them, what is the word, the meaning of the easy way? They don't even know. क्यों हमारे बच्चे मीडिया में इतने मशगूल है, माँ बाप को पता नहीं। रात को दो दो बजे एक एक बजे तक, अब ये बच्चा 3 घंटा सोया 4 घंटा सोया तो ये थकेगा नहीं स्कूल में, और मदरसे में तो क्या होगा, वो कैसे तालीम हासिल करेगा। और मैं नहीं कहता हूं स्कूल टाइम इज, स्कूल तालीम इज नॉट लाजिम, यू स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में अपने बच्चों को दीनी तालीम भी सिखाओ, उसको कुरान सिखाओ। आप लोगों ने बचपन में कुरान पढ़ा है, यू हैव लर्न द कुरान व्हेन यू वर स्मॉल। याद रखो, बचपन का 55 साल तक बाकी रहता है, बचपन का 55 साल तक। जो कुरान, आप लोग दारुल में तो नहीं गए, यू डिडंट गो दारुल, but you know how to read namaz, you know how to do roza and zakat and everything in hajj, subhanallah, and you know your kalimas, everything. What we learn in a maktab, ye maktab ki taleem darulum ki to farz ain nahi hai, maktab ki taleem compulsory hai for our kids, for our children, bahut zaruri hai. Aur allah taala jazaye khair de उन लोगों को जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, या अपने अपने बच्चों के फ्यूचर की, फ्यूचर का फिक्र है उनको, देखो टेंशन अबाउट अवर चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर, कि ये नमाज पढ़े, ये रोजा रखे, ये इबादत करे। और मैं आगे चलकर ये भी कहूंगा, उसको भी नहीं भूलूंगा, कि हम बहुत सारे बच्चों के माँ बाप है जो हमारे मदरसे की डोनेशन मदर भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनके खजाने में अल्लाह अपने दस्त गैब से अता फरमाए, बहुत जरूरी है। याद रखो ये बात भी मैं साथ साथ कहता चलूं, शाह वसीउल्लाह साहब फरमाते हैं, अगर तुम तालीम के लिए अल्लाह के रास्ते में दोगे तो अल्लाह को, अल्लाह गयूर है, उसको चैन नहीं आता जब तक दुनिया में तुम्हें उसका 100 गुना ना दे दे। सही कह रहा हूं, जहां कहीं तुम स्पेंड करो, लेकिन अल्लाह के लिए करना, अल्लाह उसका बदला जरूर देगा। आखिरत में तो है, दैट वी इन्वेस्ट इन द बैंक ऑफ हियर आफ्टर। तो मैं कह रहा था कि बचपन में जो हमारा ईमान बना है मकतब में, भाई हम तो पूरा दिन काम करते हैं, वी वर्क्स होल डे, ओनली लुक आफ्टर अवर चिल्ड्रंस ईमान द उलमा इन मदरसा, दैट टीच देम द ईमानी थिंग्स, द कुरान, द नमाज, द दिस। उनका तो बड़ा बड़ा तुम्हारे ऊपर एहसान है, तुम्हारे बच्चों पर, कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है तो तुम्हारे बच्चों के ईमान की हिफाजत करता है। माँ बाप के पास वो टाइम नहीं है, द पेरेंट्स के पास वो टाइम नहीं कि अपने बच्चों को नमाज सिखाए, रोजा सिखाए। ये तो अल्लाह का करम है कि तुझ थोड़ी सी फीस भरकर, 6 पाउंड की भर करके आप अपने बच्चों का ईमान पूरी जिंदगी के लिए बचा रहा है, कि बाप का माँ का इंतकाल होगा और कयामत तक वो माँ बाप, वो बच्चे जब तक जिंदा रहेंगे माँ बाप के लिए दुआएं करते रहेंगे। ये नतीजा है। आज तुम के सब, सब के सब मकतब में पड़े हुए थे, आज तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम दुआ करते हो नहीं? तुम तो दारुल उलूम में नहीं गए, ये क्या है? ये मकतब का सदका है, ये मकतब में आप तो उस्ताद का नतीजा है। हमें तो हर वक्त अपने उस्तादों के लिए दुआ करनी चाहिए, जिनसे मैंने कुरान सीखा, जिनसे मैंने नमाज सीखी, कि आज मेरी जिंदगी के 60 ईयर्स पूरे हो गए। अल्लाह तेरा फजल है कि मुझे नमाज भी आती है, मुझे कुरान भी आता है, सब कुछ अल्लाह, मैं ईमान पर बाकी हूं। ये मेरा असातिज़ा का सदका है। उस पर माँ बाप की भी मेहनत होनी चाहिए, कि माँ बाप मस्ट सेंड अवर चिल्ड्रन टू द मदरसा एंड आस्क देम, उसको पूछो कैसे तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ताकि उनको फिक्र हो, और साथ साथ में अपने बच्चों की जरा तरबियत भी करे, घर में देखते रहे कहीं ये कोई गलत लाइन पर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद मेरे सामने यहां इस सैन में एक 21 साल का बच्चा आया, वो कहता है आई बिकेम एथियस्ट, वल्ला इस सैन में उसने कहा मैं तो अल्लाह को मानता नहीं, हालांकि हाफिज कुरान है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, इसलिए कि रॉन्ग लाइन पर चला गया। कोई क्या बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। आज तो मुफ्ती गूगल सब बनते हैं और मीडिया पर जाते हैं और ये और ये और ये सारे क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं। इसलिए वो यंगस्टर्स, मैं तो कहता हूं साल में 2-3 बयानात यंगस्टर्स का मस्जिद में होना चाहिए, लेकिन मैं अकेला क्या करूं, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। जिस मस्जिद में मुझे 17 ईयर्स हो गए, कभी कभी बैठ कर मैं रोना रोता हूं कि उम्मत का क्या होगा। अल्लाह मेरी और आपकी, हम सब सबकी हिफाजत फरमाए, हमारी औलाद की हिफाजत फरमाए। हम कोशिश करें कि हमारा फ्यूचर अपनी औलाद है, उसको बनाने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको, हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाकिफ दावाना अलहम्दुलिल्लाह।